बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे इज़ 24th of June 2020 एंड आई एम योर टीचर कुरबान अली राम मुस्लिम मॉडल स्कूल शेखपुरा। स्टूडेंट्स, द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज बेसिस ऑफ हेरेडिटी। दिस टॉपिक इज़ फ्रॉम द पेज 23 ऑफ 8th क्लास साइंस। स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हेरिडिटी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा है, ऐसी खसूसियात के बारे में जो वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। चलें बालों की साख्त को ही ले लें कि और उनके रंग को देखें कि ये किस तरह मुंतकिल होता है। तो आपके बालों या बालों का रंग जो है या उनकी साख्त जो है वालदा जैसी या वालद जैसी हो सकती है, या कोई और करैक्टर भी देख लें जो आप समझते हैं कि ये वालदैन में से किसी एक जैसा है। तो फिर सोचें कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये खसूसियत आप में ले आई है। इसके लिए हम पहले ये देखते हैं कि हमारी पैदाइश में वालदैन ने कितना हिस्सा डाला है। तो स्टूडेंट्स, एनिमल जो हैं ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का नतीजा होते हैं। जो अपने बच्चों जब अपने बच्चे पैदा करते हैं तो एक हाफ सेल वालदा की तरफ से, जिसे हम स्पर्म कहते हैं वालद की तरफ से, और एक हाफ सेल जो है जिसे हम एग कहते हैं वालदा की तरफ से आता है। इन दोनों के मिलाप से एक सेल बनता है जिसे जाइगोट कहते हैं। फिर इसमें माइटोसिस होती है और फिर एम्ब्रियो बनता है जिसकी बाद में पैदाइश होती है। तो वालदैन की तरफ से जो सेल्स आए हैं तो ज़रूर इन्हीं में कोई चीज़ ऐसी होगी जिसने हमें वालदैन से मुशाबे कर दिया है। तो आज हम यही चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। और नाउ कम टू द बुक पेज, ये पॉइंट 2.3 आपका टॉपिक है। द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज़ कॉल्ड जीन। ये कह रहा है कि हेरिडिटी का या विरासत का बेसिक यूनिट जो है उसे हम कहते हैं जीन। जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक मॉलिक्यूल कॉल्ड प्रोटीन्स। जिस तरह से एक इमारत बनाने वाले ठेकेदार के पास या ओवरसीयर के पास जो है एक नक्शा होता है उस बिल्डिंग का कि इसको किस तरह बनाना है, इसी तरह जीन के पास एक बच्चे की साख्त का नक्शा उसके पास होता है कि इसकी साख्त किस तरह की रखनी है। यहाँ प्रोटीन का जिक्र हुआ है तो हमारी बॉडी जो है प्रोटीन्स की ही बनी होती है। तो ये जो जीन्स हैं इनके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिस तरह एक ओवरसीर के पास बिल्डिंग का नक्शा होता है, इसी तरह जीन के पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि साख्त किस तरह की बनानी है, प्रोटीन किस तरह का बनाना है, नाक दांत बाल किस तरह के बनाने हैं। तो हर करैक्टर के लिए जीन का एक जोड़ा होता है जो हमें वालदैन से मुंतकिल होता है। तो जीन्स अक्कर इन पेयर्स, ये पेयर्स की शक्ल में पाए जाते हैं। एवरी हेरिडिटी करैक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म, जानदार का हर करैक्टर जो वालदैन से मुंतकिल हो, जैसे कि टालनेस है, छोटे कद का होना है, आई कलर है, फ्री ईयर लोब है, कान की लोब जुड़ी हुई या अलहदा नज़र आती कई लोगों की, अटैच्ड ईयर लोब, तो इट इज़ कंट्रोल्ड बाई ए पेयर ऑफ जीन। हर करैक्टर को जीन का एक पेयर जो है वो कंट्रोल करता है। इस जीन जोड़े का एक मेंबर, वन मेंबर ऑफ ए जीन पेयर कम्स फ्रॉम मेल पेरेंट से आता है, यानी फादर से आता है, वाइल द अदर कम्स फ्रॉम फीमेल पेरेंट्स यानी मदर से आता है। तो ये जीन कहाँ पाए जाते हैं, वालदैन ने इन्हें हम में कब मुंतकिल किया था। तो मैंने जैसे पहले गुजारिश की है कि वालद या वालदा की तरफ से दो हाफ सेल ही आपस में मिलते हैं और उन हाफ सेल के मिलाप से एक सेल बनता है जो बाद में माइटोसिस करके एम्ब्रियो बनाता है और उसकी पैदाइश होती है। तो जाहिर है कोई चीज़ इन हाफ सेल में ही मौजूद थी। तो अगर हम सेल को स्टडी करें तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी उस स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम वालद की तरफ से और 23 क्रोमोसोम वालदा की तरफ से आते हैं। ये दोनों मिलकर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो कि ह्यूमन स्पीशीज़ में पाया जाता है वो बनते हैं। तो इस तरह से ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनके ऊपर ये जीन्स पाई जाती हैं। फिज़िकली ये इस तरह आप इसको कह लें कि
कि बहुत सारी जीन जो हैं कम से कम एक क्रोमोसोम्स पर 10,000 के करीब जीन्स होती हैं, और तो आपकी बॉडी में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, कितनी सारी खसूसियात हैं जो कि हमें वालदैन से हमें मुंतकिल हुई हैं, और ये जो जीन्स हैं इन्होंने ही हमारे करेक्टरिस्टिक्स को बनाना है, उसी तरह की साख्त बनानी है, उसी तरह की बिल्डिंग बनानी है जिस तरह का नक्शा इनके पास पीछे से यानी वालदैन से आया है। तो जीन्स आर द सेक्शंस ऑफ डीएनए, डीएनए मीन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स मॉलिक्यूल एंड आर लोकेटेड एट क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स पाई जाती हैं, जिस तरह एक तस्वीर के ऊपर तस्वीर के दाने परोए होते हैं, इसी तरह क्रोमोसोम्स के ऊपर ये जीन्स पेयर लगे होते हैं। एज डिफरेंट सेक्शंस ऑफ डीएनए यानी जीन के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं आर ए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी जानदार में ये डिवेलपमेंट ऑफ करेक्टर डिफरेंट करेक्टर के लिए इंफॉर्मेशन होती हैं। तो डीएनए इज कॉल्ड हेरिटी मटीरियल, इस डीएनए को वरासती मटीरियल या वरासती मादा कहते हैं। डीएनए प्रोटीन आर द कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स इसी डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। उसके दांतों की साख्त है, उसके नाक की साख्त है, उसके बालों का कलर है, उसका आई कलर है, ईयर लोब जैसा कि ऊपर जिक्र हुआ है, किस तरह के बनाने हैं ये जीन जो है उनको कंट्रोल करते हैं। और चूंकि ये वालदैन से आए हैं जीन, इनके ऊपर जो नक्शा इन्हें अपने वालदैन से हमारे वालदैन से मिला है, लिहाजा ये वैसे ही करेक्टरिस्टिक्स हमारे बनाएंगे जैसे कि इनके पास इंस्ट्रक्शन आई हैं या वालद जैसे या वालदा जैसे, क्योंकि हमने अपनी जीन्स या वालद से ली, वालद और वालदा दोनों के दोनों की जीन्स हमारे जिस्म में मुंतकिल होती हैं। तो ये जीन कहाँ पाए जाते हैं, ये इसने लिखा कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स, तो ये क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं। फिगर यहाँ उसने ये देखे, ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर ये स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं ग्रीन कलर के पड़े हुए, यहाँ उसने हाईलाइट किया है, ये क्रोमोसोम्स हैं। एक क्रोमोसोम जो है उसके दो क्रोमेटिड हैं, एक ये राइट और एक लेफ्ट के ऊपर, और दरमियान में ये दोनों जुड़े हुए हैं एक मुश्तरका साख से, इसको उसने सेंट्रोमियर का नाम दिया है। तो क्रोमोसोम जो है दो क्रोमेटिड पर मुश्तमिल होता है, और ये दोनों क्रोमेटिड एक सेंटर पॉइंट के साथ जुड़े होते हैं जिसे हम सेंट्रोमियर का नाम देते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज स्पेसिफिक एंड कॉन्स्टेंट फॉर एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म में इनका नंबर जो है ये मुख्तलिफ होता है क्रोमोसोम्स का। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हर सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। इन जनरल बॉडी सेल्स या सोमेटिक सेल्स द क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर्स, बट द जीन्स बट द गैमेट यानी स्पर्म और एग्स या स्पोर्स विच आर फाउंड बाय मियोसिस कंटेन्स वन मेंबर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स पेयर। मियोसिस हमने पढ़ी है, उसमें देखा कि होमोलोगस जोड़ा जो है वो अलग-अलग हो जाता है, यानी क्रोमोसोम जो 46 थे वो जोड़ों की शक्ल में होते हैं, 23 जोड़ों की शक्ल में, तो 23 क्रोमोसोम एक साइड पे और 23 दूसरी साइड पे जाकर सेल डिवीजन होती है, तो हाफ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों सेल्स में चले जाते हैं जिससे गैमेट्स बनते हैं। यानी जीन का जो जोड़े थे वो जोड़े अलहदा हो जाते हैं, उस जोड़े का एक जीन जो है वो राइट सेल में और दूसरा लेफ्ट डॉटर सेल में चला जाता है। ये जोड़ा जब बना था जीन का, क्रोमोसोम्स का जब ये जोड़ा बना था, तो इसका एक मेंबर एग से आया था और एक मेंबर जो है इसका वो कहाँ से आता है, स्पर्म से आता है। तो ये दोनों मिलकर जो है एक जोड़ा बनाते हैं क्रोमोसोम्स का। तो इसी तरह टू डिफरेंट सोर्सेज से आने वाली जीन जो है मिलकर एक पेयर बना देती हैं। तो आगे नेक्स्ट है, वन मेंबर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स पेयर, फॉर एग्जांपल इन मैन एवरी सोमेटिक सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम्स। इंसान के हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स, 23 जोड़ों की शक्ल में, बट एवरी स्पर्म और एग सेल हैज़ 23 क्रोमोसोम, लेकिन हर एग सेल में और स्पर्म में 46 की बजाय 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं।
स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो है डीएनए का स्ट्रक्चर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जज़ाकुमुल खैर।